पटला माझा सकाराम कैसे हो तुम? ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं भी बढ़िया अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। अरे मैं सकाराम को पूछ रहा हूँ। कितनी बार बोला कि यहाँ पे मत खेला करो, तुम लोगों को समझ भी नहीं आता। और तुम सकाराम पे गिर कैसे गए घोड़े? एक्सक्यूज मी, तुम गिर कैसे गए सकाराम पे? अरे वो बीड़े अंकल, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे तो शटल कॉक मारने के चक्कर में ऐसे बैलेंस छूटा और मैं सकाराम पे गिर गया। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो वहां पे खेल रहे थे तो शटल कॉक यहाँ तक आया कैसे? इतना जोर से शॉट, पक्का टपू नहीं मारा होगा। नहीं नहीं बीड़े अंकल, शॉट मैंने नहीं मारा है। तो को की तुमने मारा था? मैं कैसे मारूंगा बीड़े अंकल, मैं तो गोली की टीम में था ना। सॉरी बाबा, शॉट मैंने मारा था। शॉट किसने मारा इम्पोर्टेंट नहीं है, गिरा कौन ये इम्पोर्टेंट है। और गोली तुम्हारा ऐसे कैसे बैलेंस गया? एक शॉट छोड़ नहीं सकते थे? नहीं छोड़ सकता था ना बीड़े अंकल, छोड़ देता तो हार जाते। आओ जाने दीजिए, गलती से हो गया। अरे इतना बड़ा कंपाउंड है माधुरी, लेकिन इन लोगों को यही खेलना है, क्रिकेट भी यही खेलते हैं। ठीक है बीड़े अंकल, आइंदा से नहीं खेलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे बोल के नहीं चलेगा, मुझे लिख के दो मुझे ऐसा सब। अरे क्या हुआ भाई भिड़े, आज ट्यूशन की छुट्टी थी कि बच्चों की क्लास ले रहा है? क्यों चिल्ला रहा है बच्चों पे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ पोपट अंकल, कुछ नहीं हुआ। अरे ये लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे तो खेलते खेलते ये इतना बड़ा गो, ये गुलाब कुमार मेरे सकाराम पे गिर गया यहाँ पे, बाप रे। और जिसकी वजह से सकाराम वैसे 3 फीट हवा में चला गया फिर धाम करके नीचे आया। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, धक्के लिए कुछ हुआ नहीं, देखा मतलब ठीक है। अरे सकाराम की नहीं गोली की बात कर रहा हूँ। गोली बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं पोपट अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू। बस एक बात कहो भिड़े, इस पूरे मामले में गलती तेरी है। मेरी गलती? जब तुझे पता है कि बच्चे रोज रात को यहाँ पर खेलते हैं तो तू थोड़ी देर के लिए अपने सकाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकता था? हाँ क्या, हाँ इतना बड़ा कंपाउंड है, वो कहीं और नहीं खेल सकते थे? यहाँ खेलना जरूरी है? कमाल है भिड़े, तो बच्चे हैं, तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहा है? थोड़ी देर के लिए अगर तेरे सकाराम को कहीं और पार कर देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाए? सोसाइटी के रूल्स में कहीं लिखा है कि सकाराम को यहीं पार करना है, कहीं और पार नहीं कर सकते? कमाल, लेकिन तुम बच्चों की साइड क्यों ले रहे हो? मान लो सकाराम की जगह अगर कोई सोसाइटी का मेंबर होता, मान लो चाचा जी होते तो? अरे चाचा जी गोली को आते हुए देख के साइड में हट जाते, क्या फालतू लॉजिक दे रहे है? फालतू का लॉजिक तो तुम दे रहे हो पोपटलाल, सब जानते हैं सकाराम यहाँ पे सालों से खड़ा रहता है, सकाराम यहाँ से क्यों हटेगा? अरे तो कौन मना कर रहा है भाई? लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तेरा सकाराम कहीं और पार्क हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा तेरा? जाने दीजिए पोपट अंकल। नहीं क्या जाने दीजिए और क्यों जाने दीजिए? बच्चों तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पोपट अंकल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। तुम लोग यही सोसाइटी कंपाउंड में खेलोगे, मैं देखता हूँ सकाराम यहाँ से कैसे नहीं हटता है। ऊपर भाई आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना। हाँ। नहीं नहीं बबीता जी, वो शांत नहीं होगा, लगता है आज फिर किसी लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया है। बाबा ये भिड़े, देख अभी तू पर्सनल हो रहा, मुझसे फालतू पंगा मत ले। मैं पंगा नहीं ले रहा हूँ, तुम बीच में आए मेरे। क्यों बीच में नहीं आओ, बच्चों का मैटर है, एक बार नहीं हजार बार बीच में आऊंगा। सॉरी भाई, वो पोपट भाई और भेड़े भाई लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई? और क्यों? और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ। और तपु सेना यहाँ पे बैडमिंटन खेल रही थी और गलती से गोली सकाराम के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से सकाराम का आगे का टायर 3 फुट ऊपर हो गया। 3 फुट? हाँ, और इसलिए भेड़े भाई टप्पू सेना पर गुस्सा कर रहे थे कि वो लोग यहाँ क्यों खेल रहे थे।
भिड़े भाई के बीच में झगड़ा हो रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात? ओ यारो, ओ ये भी कोई लड़ने वाली बात है? ओ समझा इसे। ओ पीड़ू और टप्पू से भी की लड़ाई में तू क्यों बीच में आ गया? बोल। अरे बोल क्या बोल, तुम्हें बोल रहा है वो। हाँ, वो बेगानी शादी में तू क्यों दीवाना हो रहा है? शादी है ना तो बनेगा ही दीवाना ये। भिड़े देख, तू फिर से पर्सनल हो रहा है। गोली पुत्र, तू भी पिड़ू सॉरी बोल। सॉरी बेड़े अंकल, सॉरी बेड़े अंकल, सॉरी पापा, फिर से नहीं होगा। तो क्या बेटा, और तुम दोनों खड़े क्या हो? कोई गल मुकाओ, मिट्टी पाओ, ते प्यार वाली जफी पाओ। ओए लगो गले। ओए लगतो लगतो यार। ओ पिड़ू, ओ मैं की कह रहा, तू एक बार सखाराम को स्टार्ट करके देख ले, कोई गड़बड़ ना हुई हो। नहीं नहीं, सिर्फ स्टार्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे राउंड मार के देखूंगा। हाँ ये भी ठीक है, उस सोसाइटी में राउंड मार के देख ले, अगर कोई इंजर पिंजर ढीला हुआ हो तो मैं कल से रिपेयर करवा दूंगा। हाँ। नहीं 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 सॉरी, यहाँ पता नहीं चलेगा, नाके तक जाना पड़ेगा। नाके तक क्यों? क्या है ना सोड़ी, यहाँ पर सब फ्लैट है, सपाट है, यहाँ नहीं पता चलेगा भाई, पेवर ब्लॉक है ना ये। रास्ते क्या होते हैं, वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो अगर इंजर पंजर ढीला हुआ होगा तो वहाँ पता चलेगा। ये भी करेक्ट है। हाँ करेक्ट करेक्ट है, नाके में जाके आता हूँ। रुकना, मैं भी चलता हूँ तेरे से। अरे नहीं नहीं, मैं जाके आता हूँ ना पोपटलाल। नहीं मैं चलता हूँ ना भाई। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं चला जाऊँगा, चलिए नाके पे काम है मुझे। क्या बोला? मुझे थोड़ा काम है नाके पे, वहां से सामान लेना है। अरे चलना भाई जल्दी, दुकान बंद हो जाएगी भाई, झगड़े के चक्कर में लेट हो गया। ले जा। मैं कहना ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होना। इनका रिश्ता है ना एकदम खट्टा मीठा है। एक पल में लड़ते हैं तो दूसरी पल में दोस्त भी बन जाते हैं। राइट, वो क्या है। अच्छा बच्चों, अभी तुम लोग वहाँ क्लब हाउस की तरफ जाकर खेलना, और जरा ध्यान से खेल। हाँ कोमल आंटी, हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो फ्रेंड्स। हाँ चलो चलो चलो, शटल ले लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, आजा आजा आजा, चलो क्या खेलेंगे अभी ना हम लोग। लाइफ बहुत शांति से खेल। और सोड़ी भाई, परसों आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो क्या प्लान है एनिवर्सरी का? आप उदवाड़ा जा रहे हैं या फिर रोशन भाभी आ रही है? अरे की दशा अंजलि बजाई, वही तो पता नहीं चल रहा। क्यों, क्या हुआ? तो की दशा, तो मेरी तो रोशन से बात ही नहीं हो पा रही। तो जब भी फोन करता हूँ वो किसी ना किसी रिश्तेदार के साथ बिजी होती है, और फिर वापस फोन करना भूल जाती है। तो मैंने एक गल दस्तो, आप लोग भी जब महके जाते हो तो इस तरह अपने पति को भूल जाते हो? नहीं नहीं सोड़ी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कॉल क्यों नहीं करते आप लोग? क्या है सोड़ी भाई, हम महके जाते हैं ना तो वहाँ पे पुराने दोस्त पुराने रिश्तेदार मिलते हैं ना, तो उसी में बातें करने में मिलने में मजे करने में बिजी हो जाते हैं हम लोग। वो गल तो मैं समझ गया माधवी बहनी, पर रोशन अगर दो मिनट टाइम निकाल के बात कर ले तो प्रोग्राम का पता चले ना। उठवाड़ा चले जाओ ना। कैसे जाऊं बबीता जी? क्यों, अपनी गाड़ी से जाइए, और नहीं है तो आप मेरी गाड़ी लेके जाइए। नहीं नहीं बबीता जी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे गैराज में ना बहुत कम है, तो मैं कैसे जाऊं उठवाड़ा? सोड़ी भाई, आपको रोशन भाभी का फोन आ जाएगा। कब आएगा माधवी बहनी, आज तो वो अपने कजन के यहाँ डिनर पे गई है। कब कॉल आएगा, क्या प्लान बनेगा? कबल सोड़ी भाई, आएगा फोन, आएगा जरूर आएगा। गंगा जी गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग भाई। पहचाना? नहीं, मैं यही बाजू वाली सोसाइटी में ही रहता हूँ। अच्छा, मैंने आपको आते जाते बहुत देखा, आपने मुझे नहीं देखा? नहीं। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है ना? जी जी, मेरी दुकान है। मुझे टीवी लेना था। हाँ तो दुकान आ जाइए, मिल जाएगा। कितने इंच का लेना चाहिए? वो तो अभी आपकी जेब के ऊपर है। ए? मतलब आपका बजट कितना है? बजट तो अभी 100 इंच का टीवी आता है। आता है, लेकिन आपके घर के लिए बड़ा हो जाएगा। तो आप 2 मिनट के लिए मेरे घर पे आके देख लीजिए ना, मेरे घर के हिसाब से कितने इंच का टीवी सही रहेगा। अब भाई साहब, अभी मैं आपके घर पे कहाँ हूँ, इससे अच्छा आप दुकान पे आ जाइए, वहाँ क्या सब अलग अलग इंच के टीवी लगे हुए हैं डिस्प्ले में, तो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके घर के लिए आपको कितने इंच का टीवी लेना चाहिए। 55 इंच का टीवी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कितने में पड़ेगा सब? देखिए, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल के अलग अलग भाव होते हैं। अभी इधर बालकनी में ऐसे खड़े रहकर सब कहाँ बताऊँ आपको? तो बालकनी में खड़े खड़े बताने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना आपको, दुकान आना है तो आइए, वरना कोई बात नहीं। अच्छा, दुकान अभी वहीं पे है ना जहाँ पे थी? हाँ। कौन से नंबर की बस जाएगी? बस का मालूम नहीं भाई, मैं तो रिक्शा से जाता हूँ। रिक्शा में कितना होता है? कभी 150 होता है, कभी 125, कभी 200। ऐसे कैसे? मेरी दुकान रोज क्या थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। क्या टाइम पास कर रहे हो आप? टाइम पास मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं? कब से बोल रहा हूँ आपका दुकान आ जाइए, टीवी मिल जाएगा, फिर भी आप सवाल पे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, आता हूँ मैं आपकी दुकान पे। अरे भाई साहब, कब आऊँ आपकी दुकान पे? जब मर्जी आइए भाई। आज आ जाऊं? आ जाइए। नहीं, आज नहीं आ सकता, आज तो मेरा गीजर खराब हुआ है, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कल आ जाऊं? कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, जब आने आइए, दुकान खुली ही है भाई साहब। संडे को खुली रहती है? नहीं, संडे बंद। संडे खुली रहती ना तो भी मैं नहीं आता, क्योंकि संडे मेरे लिए पूरा छुट्टी, मस्त आराम करता हूँ, घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। अरे भाई साहब, आता हूँ मैं कल दुकान पे रहिएगा आप। काश गया, कैसे कैसे नंग है दुनिया में। आपको तो ऐसे रोज करोड़ों मिलते होंगे, नहीं? मेरी ये तकलीफ दूर कर दीजिए ना, मेरा ये काम कर दीजिए ना। धन्य है आपकी सहन शक्ति, कहूं भगवान। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तु ते। गुड मॉर्निंग पापा। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुत्र। क्यों हो गया, मम्मी से बात हुई कि नहीं? ओए गोगी पुत्र, वो सुबह से उसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, एक फोन नहीं आया। ओए गोगी पुत्र, ओए तेरी मम्मी का फोन और मेरी रोशन डार्लिंग का फोन आ गया। उठाओ वाला, उठाओ पापा, उठाओ तो फोन। हेलो रोशन डार्लिंग। हाय मारू रोशन डार्लिंग। कितने रह गई थी तू, मैं कब से तेरे कॉल का वेट कर रहा था। सॉरी रोशन, वो मैं जरा ना बिजी हो गई थी। अच्छा वो सब छोड़, तेनू याद है ना कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तू कब आ रही है? रोशन, ऑफ कोर्स मने याद छे, और मैं कल सुबह आ रही हूँ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अभी निकलेगी तो 2-4 घंटे में पहुँच जाएगी। I know रोशन, मैं आ जाती थी, पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एक दिन और रुक जाऊँ। तो फिर मैं तुझे वेडिंग एनिवर्सरी विश कैसे करूँगा? वीडियो कॉल पे करते हैं ना।
वीडियो कॉल पे? हाँ, जो समझ, मैं तुझे रात के 12 बजे वीडियो कॉल करूंगी, फिर केक काटेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, टॉप क्लास आइडिया निकाला है तूने। पंचो खाली घेर का फायदा उठा के पार्टी शार्टी मत करना। और रोशन डार्लिंग, तू केहो जिया गल्ला कर रही है, ओ ना जी ना, ओ कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। गुड बॉय, तेरे मालूम छे मैं तेरी फेवरेट साड़ी पहन के आने वाली हूँ। सच्ची? Boy, I am too excited to see you in that साड़ी। ओ मैं भी तैयार छा रोके तेरी कॉल का इंतजार करूंगा, लेकिन कल पक्का आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी, चल अभी मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। आई लव यू टू। आई लव यू रोशन। क्योंकि तेरा नाना नानी ने ना उसे एक दिन के लिए और रोक लिया है, लेकिन आज रात को वो वीडियो कॉल करेगी। वो वीडियो कॉल पे हम केक से काटेंगे और एक दूसरे को विश विश करेंगे, और कल जब वो आएगी तो कल हम गुड न्यूज देके आता हूँ कि कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है, ताकि वो महिला मंडल को भी ये गुड न्यूज सुना दे। गंगा पुत्र, ओके बाबा, ओके संभाल के। गुड मॉर्निंग सोनू पुत्र। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल, आप इतनी खुशी? बात ही खुशी की है। का है? तो माधवी बड़ी, कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। रोशन कभी आ रही है? और यो हमने तो जो वाह वाह थोड़ी भाई, क्या मस्त गुड न्यूज़ सुनाई आपने। ओ पिडू, पिडू सॉरी भाई, वो मेहरा जी के यहाँ गए हैं मेंटेंस का चेक लेने के लिए। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं उनको ये गुड न्यूज़ दे दूंगी। नहीं नहीं माधवी बड़ी, आप ये गुड न्यूज सिर्फ महिला मंडल को देना, पुरुष मंडल को ये गुड न्यूज मैं खुद दूंगा कि मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। खुशी खुशी। मैंने माधवी बड़ी को गुड न्यूज दे दी। अरे वाह, एक काम करता हूँ, आज जल्दी से गैराज जाता हूँ और गैराज का सारा काम खत्म कर देता हूँ, ताकि कल गैराज में छुट्टी, क्योंकि कल गाजे बज के सेलिब्रेट करेंगे। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ पापा। रोशन डार्लिंग के आने की खुशी में तो मैं तो वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट लेना भूल ही गया। एक काम करता हूँ, आज गैराज का काम खत्म करके वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट लूंगा। वो घर भी तो सजाना है। वो छेती कर सोडी, छेती कर, वो काम बहुत है और वक्त वक्त बिल्कुल कम है। वो चल भाग। वाह भाई वाह, सोडी पाजी ने क्या गुड न्यूज़ सुनाई है। रोशन भाभी उद्वाड़े से वापस आने वाली है। सोडी के साथ साथ हम सारे गोकुल धाम वासी बहुत ही खुश हैं। और कल तो रोशन एंड रोशन की मैरिज एनिवर्सरी है। या, यानी कि सोने पे सुहागा। भाई रोशन भाभी की क्या टाइमिंग है ना, आज रात को रोशन एंड रोशन वीडियो कॉल पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, और कल जब रोशन भाभी आ जाएंगी तो साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। पूरा प्लान बिल्कुल सेट है। अब देखना यह है कि जैसा उन्होंने सोचा है वैसा होता है या नहीं, या फिर किस्मत उनको कोई और ही खेल खिलाएगी और हम सबको मुसीबतों के झूले झुलाएगी। लेकिन जो भी होगा, आपको सिर्फ हंसी और हंसी ही आएगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।